साथियों, हमारे देश में किसानों से जुड़ी जो नीतियां थी उन्हें हमारी सरकार ने निरंतर नई दिशा दी है, उसे किसानों की आय से जोड़ा है। सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान की लागत घटे, उत्पादकता बढ़े और उपज के उचित दाम मिले। इसके लिए बीते 5 वर्षों में बीज से बाजार तक अनेक फैसले लिए गए हैं। एमएसपी का 1.5 गुना करने का फैसला हो, सॉयल हेल्थ कार्ड हो, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान हो, हर स्तर पर सरकार ने काम किया है। किसानों की आय बढ़ाने की अहम यात्रा का आज भी एक अहम पड़ाव है। आज ही यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1 वर्ष पूरा होने का समारोह भी मनाया जा रहा है। मुझे याद है कि 1 वर्ष पहले जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो किस तरह की आशंकाएं पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने कम समय में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। चित्रकूट सहित पूरे यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में भी करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ 1 वर्ष में, और वो भी सीधे बैंक खाते में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में रुपया जमा हो गया। साथियों, आपने बीते दशकों में वो दिन भी देखे हैं जब बुंदेलखंड के नाम पर, किसानों के नाम पर 1,000 करोड़ के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं मिलता था। अब देश उन दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब दिल्ली से निकलने वाली पाई पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज किसान सम्मान निधि योजना के दायरे को और विस्तार दिया गया है। अब जो इस योजना के लाभार्थी हैं, उनको बैंकों से आसान ऋण भी मिले, इसके लिए सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हमारे गरीब किसान को, छोटे किसान को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े, उनको ब्याज के चुंगाल से मुक्ति मिले, ऐसा बहुत बड़ा काम एक किसान क्रेडिट कार्ड से होने वाला है।
बैंक से मिलने वाले सस्ते और आसान कर्ज के कारण अब ऋण के लिए आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा।